कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। 12 सदस्यीय किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संसद भवन में गांधी के कार्यालय पहुंचा। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंभालिया कस्बे में एक जर्जर 3 मंजिला इमारत ढहने से एक बुजुर्ग महिला और उसकी 2 पोतियों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक जवान की मौत हो गई है। भारतीय सेना के अनुसार रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया, क्योंकि इसमें राज्य की विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग को नजरअंदाज किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ आज संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मराठा आरक्षण को लेकर 20 जुलाई से अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने अपना अनशन स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार को 13 अगस्त तक का समय दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर मोर्चे पर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जन हानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया। इसे पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण के भारत को विकसित करने का माध्यम बताया। केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राष्ट्र सर्व